हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस मिक्स। हमने मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने मार्केटिंग मिक्स के फर्स्ट पी के बारे में पढ़ लिया, जो कि प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट के एलिमेंट के बारे में पढ़ा, जो कि ब्रांडिंग, लेबलिंग, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग था, ठीक है। और प्रोडक्ट लाइन के बारे में पढ़ा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मार्केटिंग मिक्स का सेकेंड पी, यानी कि प्राइस मिक्स, ठीक है। गाइज, अगर क्वालिटी सही नहीं दिख रही हो तो प्लीज़ आप क्वालिटी को बढ़ा लें, फिर वीडियो को देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइस मिक्स क्या होता है? प्राइस मिक्स में जितने भी डिसीजंस होते हैं प्राइस से रिलेटेड, वो हमारे प्राइस मिक्स के अंतर्गत आते हैं। जब भी क्या होता है, मैन्युफैक्चर कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो उसकी एक प्राइस डिसाइड करता है, जिसमें कि प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट रहती है और वो प्रॉफिट होता है जो कि मैन्युफैक्चरर चाहता है अपने प्रोडक्ट से कमाना, ठीक है। तो जो प्राइस एक ऑफर करता है अपने कस्टमर को, वो प्रोडक्ट की प्राइस कहलाती है, जो कि कस्टमर पे करता है उसे पाने के लिए, प्रोडक्ट को पाने के लिए, ठीक है। एवरी कंपनी शुड चूज स्ट्रेटेजिक चॉइस व्हेन प्राइजिंग द प्रोडक्ट टू सक्सेसफुली अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। देखिए, प्राइस जरूरी क्या होता है कंपनी के लिए? क्यों प्राइस जरूरी होता है? क्योंकि भाई ऐसा प्राइस चूज करना चाहिए जिससे कि वो सक्सेसफुली बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके, ठीक है। अगर वो ज़्यादा चार्ज करेगा अपने प्रोडक्ट के लिए, अगर ज़्यादा चार्ज करेगा जितने की उसके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, तो उसका प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा। अगर मार्केट में वही प्रोडक्ट सेम टू सेम दूसरा मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है कम प्राइस में, तो ऑब्वियसली कस्टमर क्या करेगा? कम प्राइस वाला प्रोडक्ट लेगा। तो प्राइस डिसाइड करने से पहले बहुत सारी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती है। तो प्राइस मिक्स क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का, ठीक है। प्राइसिंग डिसीजन में क्या क्या आता है? प्राइसिंग डिसीजन में प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट आती है। जैसे कि जैसे जैसे प्रोडक्ट डेवलप होता है, उसमें देखना पड़ता है कि उसकी कॉस्ट कैसे कैसे बढ़ती है। फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, जैसे जैसे प्रोडक्ट को बनाने में जितनी कॉस्ट लगी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर प्राइसिंग पॉलिसी स्ट्रेटजी जो कि कॉम्पिटिटर अपना रहे हैं, वो भी हमें देखनी पड़ती है। डिसाइड लेवल ऑफ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि एक होता है जैसे प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसकी कॉस्ट लगी, कॉस्ट तो हमने लगा दी, फिर उसके बाद हम उसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट और प्रॉफिट का जो जितना भी वैल्यू वो डिसाइड करेगा मैन्युफैक्चरर, फिर उसको मिला करके क्या बनाते हैं वो लोग? प्राइस बनाते हैं। जो ये लेवल ऑफ मार्जिन होता है, जो प्रॉफिट वो डिसाइड करते हैं, इसको ये सारी चीज़ें प्राइसिंग डिसीजन में आती हैं। फिर आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग फैक्टर्स विच अफेक्ट प्राइजिंग डिसीजन, यानी इन प्राइजिंग डिसीजंस को वो सारे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एफर्ट आर मेड टू फाइंड आउट वेज बाय विच कॉस्ट कैन बी रिड्यूस सो दैट प्राइस ऑफर्ड कैन बी कॉम्पिटिटिव, यानी कि वो सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं जिससे हमें पता चले कि कैसे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम कर सकें, जिस कैसे हम कम से कम दाम में वो प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा सकें, ठीक है, और हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। तो ये सारे डिसीजंस प्राइजिंग में आते हैं कि डेवलपमेंट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्राइजिंग की पॉलिसी, उसकी स्ट्रेटजी, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट और फैक्टर्स को देखना और कैसे कॉस्ट रिड्यूस होगी, ये सारी चीज़ें प्राइजिंग डिसीजन में आती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइजिंग डिसीजंस, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे प्राइजिंग के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला और मेन है हमारा प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट कंपनी हर कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट कमाने के लिए तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है कस्टमर्स को, ठीक है। तो यदि कंपनी ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है, ठीक है, ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है और ज़्यादा सेल चाहती है, या कंपनी अगर चाहती है कि सेल भी ज़्यादा हो, साथ ही साथ एक बड़ा शेयर मार्केट में वो कैप्चर कर सके, तो उसे क्या करना होगा? अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लो रखना होगा। जब जब प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम दाम में अगर प्रोडक्ट हमें मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? वो प्रोडक्ट खुद भी लेंगे और किसी और को भी बताएंगे कि यार ये अच्छा है, ठीक है, उसको सजेस्ट करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, कंपनी एक बड़ा सा शेयर मार्केट में कैप्चर करेगी, ठीक है। और
और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए और भी कंपनी ये सारी चीज़ें देखती हैं कि ऑप्टेनिंग क्या, उनका मोटिव क्या रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा प्राइस से रिलेटेड, कि मार्केट शेयर को अचीव करना, कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना, ठीक है, और प्रोडक्ट की अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, ये सारी चीज़ें प्राइस के साथ साथ प्रॉफिट के साथ साथ डिसाइड करनी पड़ती है कंपनी को, ठीक है। कंपनी कितना प्रॉफिट चार्ज, कितना प्रॉफिट पाना चाहती है, उस हिसाब से प्राइस को डिसाइड करेगी। दूसरा होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्राइस। देखो, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम, तो उसकी जितनी भी कॉस्ट लगती है, कॉस्ट कैसे, जैसे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट लगती है, यानी कि उसकी टोटल कॉस्ट मिला करके, ये अफेक्ट करती है उसकी टोटल कॉस्ट। जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो चार्ज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ज़्यादा ही हो जाएगा। अगर कॉस्ट ही ज़्यादा आएगी तो थोड़ा तो प्रॉफिट वो भी चार्ज करेंगे, फिर ऐसे करके कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की कॉस्ट अफेक्ट करती है प्राइसिंग के डिसीजन को, ठीक है। जैसे प्रॉफिट अफेक्ट करता है, वैसे ही प्रोडक्ट का कॉस्ट भी अफेक्ट करता है। फिर एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, कि मार्केट में कैसा कंपटीशन है। तो गाइज, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, यानी कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, ये सारी कंपटीशन क्या करेगा, अफेक्ट करेगा प्राइस को। कैसे अफेक्ट करेगा मैं बताती हूँ। जैसे अगर फर्म कोई भी कंपटीशन फेस नहीं कर रही है, जैसे उसका और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, वही बस है मार्केट में, तो क्या होगा, वो उसको उसको फ्रीडम रहेगी, वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है। जैसे मान लो, अगर अगर यहाँ पे कोई एक ही रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक ही रेस्टोरेंट जिसमें बहुत अच्छा खाना मिलता है, और यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है, तो वो अपने मन से थोड़ा बहुत प्राइस ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दो चार रेस्टोरेंट और खुल गए, तो क्या होगा, उनको प्राइस थोड़ा सा उन अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से रखना पड़ेगा कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन अफेक्ट करता है प्राइसिंग के डिसीजन को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि पेप्सी, पेप्सी कैन नॉट फिक्स प्राइस विदाउट कंसिडरिंग प्राइस ऑफ कोक एंड अदर कोल्ड ड्रिंक इन द मार्केट। यानी कि पेप्सी कभी भी अपना प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती ये जाने बिना कि कोक का प्राइस कितना है, या स्प्राइट का प्राइस कितना है, थम्स अप, या फिर और भी जितनी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है उनका। फिर क्या होता है, कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी। अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेड है मार्केट में, तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। वहीं पे अगर प्रोडक्ट की डिमांड कम है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो कस्टमर की डिमांड क्या करती है, अफेक्ट करती है प्राइस के डिसीजन को। फिर यूटिलिटी, अगर अगर जैसे प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी, कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, तो उसका प्राइस जो है वो हम ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट के अगर कई यूजेस हैं, तो हम ऐसे प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। तो कस्टमर की डिमांड और उसकी यूटिलिटी दोनों अफेक्ट करती है प्राइसिंग के डिसीजन को। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या क्या आता है, बूम पीरियड आता है, रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, मतलब अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो उस हिसाब से मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हैं, ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट कभी भी ऐसे खुला नहीं छोड़ देती है मैन्युफैक्चरर्स को कि वो कोई भी प्राइस अपने प्रोडक्ट के लिए चार्ज कर सके, ठीक है। कई सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस हैं जो कि प्राइस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कई सारे इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं, कोटा टैक्सेस इसीलिए लगाया जाता है, जिससे कि प्राइस को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या क्या थे, प्रॉफिट था, प्रोडक्ट का प्राइस था, कॉम्पिटिशन था, कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइस की स्ट्रेटजी क्या क्या होती है जो कि मैन्युफैक्चरर्स अपनाते हैं, ठीक है। पहला होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पहले लो प्राइस रखती है, ठीक है। लो प्राइस क्यों
क्यों रखती है सेल को इंक्रीज करने के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही उन जैसे शुरू शुरू में उन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखा, ठीक है, सेल बढ़ी, मार्केट में उन्होंने शेयर कैप्चर कर लिया, मार्केट में अच्छा नाम हो गया, उन्होंने अपनी पकड़, उन्होंने अपन मतलब एक पकड़ होती ना, मजबूती पकड़ ली, ठीक है। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे उनकी सेल बढ़ गई, उनके प्रोडक्ट ज़्यादा लोग लेने लग गए, जाने लग गए, तो उन्होंने क्या कर दिया, फिर अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बढ़ा दिया। जैसे टेलीविज़न सैटेलाइट थी, ठीक है, टेलीविज़न सैटेलाइट कंपनीज जब आई थी तो शुरू में प्राइजेस क्या थे, कम थे। क्यों कम थे? जिससे उनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा आए, फिर उन्होंने क्या किया, प्राइजेस को बढ़ा दिया, ठीक है। फिर आता है स्किमिंग प्राइजेस। स्किमिंग प्राइजेस में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन शुरू में ज़्यादा चार्ज करती है, फिर क्या करती है कि प्रोडक्ट के प्राइस को थोड़ा सा कम कर देती है। इसलिए कम करती है कि जिससे वो वाइडर मार्केट में पहुंच सके, ज़्यादा मार्केट का एरिया कैप्चर कर सके, ठीक है। फिर वो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि प्रॉफिट के जो जो प्रॉफिट होता है उसको स्किम कर सके लेयर बाय लेयर, ठीक है। जैसे सोनी और फिलिप्स, इन्होंने इन्होंने जब नई टेक्नोलॉजी लाई, ठीक है, तो इन्होंने ज़्यादा चार्ज किया, फिर धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने अपने चार्जेस कम कर दिए, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा कंपटीशन प्राइसिंग। कंपटीशन प्राइसिंग में क्या होता है कि सेटिंग ए प्राइस इन कंपैरिजन विद कॉम्पिटिटर। कंपनी इस स्ट्रेटजी में क्या करती है कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस तब सेट करती है जब वो देख लेती है कि कॉम्पिटिटर ने अपने प्रोडक्ट का कितना प्राइस सेट किया हुआ है। अब इन रियलिटी अ फर्म हैज थ्री ऑप्शन। इसमें तीन ऑप्शन रहती है, या तो वो जो उसका कॉम्पिटिटर है उसके प्रोडक्ट के प्राइस से कम प्राइस रखे, या तो सेम टू सेम उतना ही चार्ज कर दे, या फिर अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के प्राइस से ज़्यादा चार्ज करे, ठीक है। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी कितने तरीके की होगी? पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जिसमें शुरू में कम प्राइस चार्ज करते हैं और बाद में ज़्यादा चार्ज करते हैं। स्कीमिंग प्राइसिंग, जिसमें कि हम शुरू में ज़्यादा चार्ज करते हैं और बाद में कम चार्ज करते हैं। कंपटीशन प्राइसिंग, जिसमें हम कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से चार्ज करते हैं, या तो कम, या तो सेम टू सेम, या तो उससे ज़्यादा, ठीक है। तो आज का टॉपिक गाइज यहीं पे ख़त्म होता है। हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? प्राइस मिक्स के बारे में पढ़ा, प्राइसिंग डिसीजन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो पढ़ लिया, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग डिसीजन को वो पढ़ लिया, और स्ट्रेटजी क्या क्या होती है प्राइसिंग की वो पढ़ लिया। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, बाय बाय।